भिवानी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने नामी गैंगस्टर बिंटू को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर बिंटू पर हत्या, हत्या के प्रयास सहित 10 मामले दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया, बिंटू को भिवानी पुलिस ने कल देर शाम सरेला की बनी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार बिंटू गाड़ी छोड़कर भागने लगा। तब पुलिस ने पीछा करते हुए उसे दबोच लिया। उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं 1 डोगा बंदूक दुनाली मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिंटू एवं संपत नेहरा ने राजगढ़ कोर्ट में 17 जनवरी 2018 को सरेआम गोली चलाकर हत्या को अंजाम दिया था। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। बिट्टू एलियस मिंटू मुंडासिया करके एक गैंगस्टर है जो कि काफ़ी मामलों में राजस्थान और हरियाणा में वांटेड था, जिसमें मुख्यतः ये जो जनवरी में राजगढ़ कोर्ट में फायरिंग करके कोर्ट रूम के अंदर एक मर्डर हुआ था अजय जैतपुरा नाम के एक व्यक्ति का, उसमें ये मुख्य रूप से वांटेड था। तो कल हमारी CIA की टीम ने इसे बहल थाना क्षेत्र एरिया से अरेस्ट किया है। करीब 10 से 12 मुकदमे के जिसमें के अटेम्प्ट टू मर्डर है आर्म्स एक्ट के, ऐसे और काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व रहा है। और जब इसे अरेस्ट किया तो इससे 2 वेपन, एक 12 बोर और एक 315 बोर, ये रिकवर हुए हैं और एक गाड़ी स्कॉर्पियो भी इसे रिकवर की गई।